الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه क्या वो कहते हैं इसने घड़ लिया है उसको, क्या वो कहते हैं यानी मुशरिकीन मक्का, इफ्तराहु इसने घड़ लिया है उसको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है उसको यानी कुरान को। मुशरिकीन ये कहते हैं कि मोहम्मद, हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कुरान को अपने पास से घड़ लिया है। ये मुशरिकीन अक्सर ये इतराज़ करते थे कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने पास से लिखाए हैं, इन्होंने तौरात व इंजील से पढ़कर किसी से लिखवा लिया है इसको, किसी से तौरात व इंजील पढ़वा ली है। ये बात तो वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो वो कहते थे कि किसी से पढ़वा लिया है उसको और फिर किसी से पढ़वा कर उसको अरबी ज़बान में पेश कर दिया है। असल में कुरान करीम की जो असल अंगेज़ी तासीर, फसाहत व बलागत, इसका उनको भी पता था, लेकिन वो कुरान करीम को इसलिए नहीं मान सकते थे कि अगर वो कुरान करीम को मानते तो फिर उन्हें अपने अकायद की इस्लाह करनी पड़ती, अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ना पड़ता। अब आबा अजदाद के दीन को छोड़ने पर वो तैयार नहीं थे। अब जब वो अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ने पर तैयार नहीं थे तो फिर अब उन्हें कुरान से जान छुड़ाने के लिए कोई उल्टा सीधा बहाना चाहिए था। तो वो बहाना उन्होंने यही तलाश किया, उन्होंने कहा कि कुरान को जादू कह दिया जाए। कुरान एक मौजज़ा है बहुत बड़ा, हर मौजज़े को वो जादू कहकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहकर इनकार कर देते थे। जादू क्यों कहते थे कुरान को? कुरान की तासीर तो उन्हें नज़र आती थी, कुरान की तासीर उन्हें नज़र आती थी। अब मानने को तैयार तो थे नहीं, तो तासीर की वजह से वो कहते थे कि ये असल में आम कलाम नहीं है, ये असल में जादू है, इसको जादू तो ये घर लिया है, उन्होंने असल में ये प्रोपोगंडा किया। उनको पता था अंदर से कि ये प्रोपोगंडा गलत है, झूठा है, लेकिन जब किसी ने मानना ना हो, अपने अकायद जिसने ना बदलने हों, तो वो हर किस्म का फिर उल्टा सीधा हरबा इस्तेमाल करता है, जिसको आप बगावत कह लें, जिसको आप हठ धर्मी कह लें। तो हठ धर्मी इख्तियार करते हुए उन्होंने कुरान करीम का इनकार किया, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब होने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि इसको इन्होंने अपने पास से घड़ लिया है। अल्लाह फरमाते हैं कुल फ़तू बिसूरत मिस्लिही, कह दीजिए ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें जवाब दें इनकी इस बात का, फ़तू बस ले आओ, बिसूरत कोई एक सूरत, मिस्लिही इस कुरान जैसी, वद्उ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाही, और तुम पुकार लो जिनको भी तुम ताकत रखते हो अल्लाह के अलावा, तुम जिसको भी अपने साथ मिलाने की, पुकारने की, अपने साथ शामिल करने की ताकत रखते हो उसे अपने साथ शामिल कर लो, अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह को छोड़कर से क्या मुराद है? कि तुमने जिसको बुलाना है बुला लो, चाहे वो इंसान हो तुम्हारे जैसे, चाहे वो जिन हो, दीगर मखलूकात हो, चाहे वो तुम्हारे माबूद ही क्यों ना हो, तुम अपने माबूदों को
बुला लो, अल्लाह की जिस मखलूक को तुमने बुलाना है बुला लो, अपने अपने माबूदों को बुला लो, बस अल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह को छोड़कर तुमने जिसको बुलाना है बुला लो। तमाम इंसान इकट्ठे हो जाएं, तमाम जिन इकट्ठे हो जाएं, तुम्हारे सारे माबूद इकट्ठे हो जाएं, तुमने जिसको बुलाना है बुला लो। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर तुम ये काम कर गुजरो। क्या मतलब अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, इससे क्या मुराद है? अगर तुम इस दावे में सच्चे हो, तुम अपने इस एतराज़ में, या अगर तुम्हारा एतराज़ हकीकी है, कोई अगर इसको वाकई ही समझना चाहता है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहें आओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ। असल में मुशरिकीन तो पहले ही जानते थे कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से कलाम है, मुशरिकीन तो जानते थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है। वो जो कहते थे कि ये अपने पास से घड़ लिया है, ये तो वो सिर्फ बगावत करते हुए कहते थे, हट धर्मी करते हुए ये बात कहते थे। वरना अगर कोई बंदा खुलूस दिल से अगर सोचता, तो खुलूस दिल से नेक नियति से कोई बंदा गौर करता, तो नेक नियति से गौर करने वाला बंदा ये बात कह ही नहीं। जो बंदा भी नेक नियति से गौर करे वो बात कह ही नहीं सकता। और अगर फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसी अकली दलील भी पेश कर दी कुरान की हकानियत की, कुरान की हकानियत की एक ऐसी दलील है जो अल्लाह ने यहाँ पेश की है, और यही दलील अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और कई मकामात पर पेश की है। जो बंदा भी खुलूस दिल से, नेक नियति से, कल्ब सलीम के साथ गौर करेगा, उसके दिल में कोई हट धर्मी नहीं होगी, कोई उसके दिल में बगावत नहीं होगी कि उसने हर सूरत में इस्लाम को सरनगूं करना है और उसने जवाब देना है और उसने मानना नहीं है। अगर एक बंदा कल्ब सलीम के साथ, नेक नियति के साथ गौर करेगा, तो ये दलील ऐसी वाज दलील है कि इस दलील के बाद किसी के पास इनकार करने की गुंजाइश रह नहीं जाती। वो दलील ये है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे घड़ सकते हैं अपने पास से पूरा कुरान, वो अकेले अगर पूरा कुरान बना सकते हैं, तो तुम सब मिलकर इस कुरान जैसी एक सूरत बना लो। अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के आजिज़ बंदे, एक इंसान, अगर वो ये कुरान पूरा बना सकता है, तो तुम सब मिलकर एक सूरत तो बना सकते हो। ये एक ऐसी दलील है, इस दलील का कोई जवाब नहीं, ना कोई जवाब किसी ने दिया, ना कोई क्यामत तक दे सकता है। जब अल्लाह ने ये दलील पेश की, असल में चैलेंज है, ये ऐसा चैलेंज है, जब अल्लाह ने ये चैलेंज पेश किया, अल्लाह ने इस चैलेंज पेश करने के साथ ही कह दिया कि कोई बंदा इस चैलेंज को क्यामत तक पूरा भी नहीं कर सकेगा। और देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का इजाज कि अल्लाह ने फरमाया कि कोई बंदा भी कुरान जैसे कलाम नहीं बना सकता, कुरान जैसी एक सूरत भी नहीं बना सकता। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में हमने पढ़ा, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुमने ये काम न किया, वहाँ भी अल्लाह ने यही चैलेंज किया, इस जैसी एक सूरत बना लाओ अगर तुम सच्चे हो। वहाँ अल्लाह ताला ने फिर आगे नाराज़ होकर अल्लाह ने फरमाया कि तुमने अगर ये काम न किया, तुम क़यामत तक नहीं कर सकोगे। वहाँ अल्लाह ने फरमाया फिर आग से डर जाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। यानी अगर तुम इस दलील के बाद भी कुरान करीम को नहीं मानोगे, तो फिर तुम हट धर्मी के अलावा कुछ नहीं कर रहे, फिर तुम्हारा इलाज सिर्फ और सिर्फ आग है, सजा है और कुछ भी नहीं है। वहाँ अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम क़यामत तक ये काम नहीं कर सकते। लन तफ़अलू, ये लन मुस्तकबिल के लिए आता है, तुम क़यामत तक ये काम नहीं कर सकते। अब देखिए कुरान का इजाज, अल्लाह का चैलेंज आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया तुम ये काम नहीं कर सकते। अल्लाह ने तमाम इंसानों को, तमाम बनो इंसान को, जिन्नों को और तमाम मखलूकात को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया। इन मखलूकात में मुसलमान भी हैं, मुसलमान तो कुरान को मानते हैं, वो तो नहीं कहेंगे कि हम ये बना सकते हैं। लेकिन काफिर तो, वो तो बड़े मुखालिफ थे कुरान के, वो तो लोगों को भी कुरान से दूर करना चाहते थे। ये हो सकता था कि काफिर लोग आपस में प्लान करें कि हम कोई एक सूरत बना लेते हैं और आपस में वो तय कर लेते
कि हम एक सूरत बना लेते हैं और हम सब कहेंगे कि ये कुरान से, कुरान जैसी सूरत है, ये कुरान से बेहतर है। लेकिन आप देखें ना, काफिरों में से किसी ने ये दावा किया, और अगर किसी ने ये दावा किया तो दूसरे कुफार ने ही ये दावा कबूल नहीं किया। और अल्लाह ने ये, आप समझिए कि अल्लाह ने ये पेशगोई कर दी, अल्लाह ने ये चैलेंज कर दिया कि तुम क़यामत तक ये काम नहीं कर सकते। कुरान करीम में कुछ ऐसे चैलेंज हैं जो ख़ुद कुरान करीम की हक्कानियत की बहुत बड़ी दलील है, जिनमें से एक चैलेंज ये भी है। यानी देखिए, काफिर और देखिए मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? मुशरिक, यहूद। ये चैलेंज यहूद को भी था। यहूद कितने साजिशी हैं, यहूद इस चैलेंज को कबूल कर लेते, अंदर खाते, प्लानिंग करके कह लेते हैं कि हम उल्टी सीधी हम एक सूरत बनाएंगे और हम आपस में तय करके हम कहेंगे कुरान जैसी सूरत है। लेकिन देखिए वो भी ये काम नहीं कर सके। अल्लाह ने कुरान में यहूद से कहा कि तुम कहते हो कि जन्नत हमारे लिए है, अगर हम जहन्नम में जाएंगे भी तो हम जहन्नम में चंद दिन जाएंगे, वो जो हमने बिछड़े को पूजा या जो, तो बाकी हमारे लिए जन्नत लिखी हुई है। अल्लाह ने यहूद को चैलेंज किया कि अगर तुम समझते हो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि जन्नत तुम्हारे लिए है और जहन्नम में तुमने चंद ही नहीं जाना, तो मौत की तमन्ना करो। फिर तुम्हारे और जन्नत में रुकावट क्या है? मौत है सिर्फ। तुम मौत की तमन्ना करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावे में। अल्लाह ने इस तरह करके उनका दावा झूठा साबित किया और अल्लाह ने साथ फरमा दिया कि ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ने उस वक्त साथ ही कुरान में फरमा दिया वलन यतमन्नहु अबदन बिमा कद्दमत अयदीहिम, कि ये लोग कभी भी क्यामत तक मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। ये तो जिंदगी के इतने ख्वाहिशमंद हैं कि ये तो हज़ार हज़ार साल, इससे ज़्यादा की ज़िंदगी चाहते हैं। तो ये अपने इस दावे में झूठे हैं कि जन्नत हमारे लिए लौट कर दी गई है और हम जहन्नम में नहीं जा सकते, अगर जाएंगे भी तो चंद दिन। इनको पता है अपने करतूतों का। अब ये अल्लाह का एक ऐसा चैलेंज है, अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक मौत की तमन्ना नहीं कर सकते। अब यहूद कितनी साजिशी कौम है, यहूद कर सकते थे कि वो झूठ फूट मौत की तमन्ना कर देते सिर्फ साजिश के तौर पर। लेकिन देखिए, जब अल्लाह एक चैलेंज करते हैं, अल्लाह को पता है कि जो कुछ हुआ है अल्लाह को उसको भी पता है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह उसको भी पता है, जो कुछ क़यामत तक होना है अल्लाह को उसका भी पता है, और जो हो रहा है अगर वो ना होता, कुछ और होता तो उसका क्या नतीजे होते अल्लाह को वो भी पता है। अल्लाह का इल्म तो इतना ज़्यादा है। तो अल्लाह का ये चैलेंज करना यहूद को कि तुम क़यामत तक मौत की तमन्ना नहीं कर सकते, ये मैं कहता हूँ अकेला ही कुरान की हकानियत की दलील है। अबू लहब के बारे में, अबू लहब कितना बड़ा दुश्मन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी मुखालफत की आपकी और कितने बुरे अल्फाज कहे आपके बारे में, जिसके जवाब में सूरह लहब उतरी तो अल्लाह ने सूरह लहब में, जो शुरू दौर के मक्की सूरतों में से, अल्लाह ने सूरह लहब में फरमा दिया कि ये अबू लहब, इसके हाथ टूट जाएं, इसके हाथ टूट जाएं और ये ख़ुद भी तबाह हो जाए, इसके हाथ टूट गए ये ख़ुद भी तबाह हो गया। और अल्लाह ने फरमाया कि इसको ना इसका माल फ़ायदा देगा और जो भी इसने कमाया है वो इसको फ़ायदा नहीं देगा, और अल्लाह ने फरमाया ये और इसकी बीवी जहन्नम में दाखिल होंगे। ये बिल्कुल शुरू दौर में कुरान में सूरह लहब उतर गई। अब जितना बड़ा दुश्मन था अबू लहब इस्लाम का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उसकी बीवी, वो कुरान को झूठा साबित करने के लिए अपने तई वो झूठ मूठ दावा कर सकते थे कि हम मुसलमान हो गए। लेकिन आप देखिए कि कुरान के ऐसे चैलेंज हैं, जब कुरान एक चैलेंज करता है तो कुरान जब कहता है ये काम कोई नहीं कर सकेगा, तो ये काम कोई भी नहीं फिर करता। तो कुरान के चैलेंज, ये खुद कुरान की हकानियत की बहुत बड़ी दलील है, ये कुरान के चैलेंज। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को घड़ लिया है, एक शख्स ने पूरे कुरान को घड़ लिया है, तो फिर तुम सब मिलकर इस कुरान जैसी एक सूरत बना लो और तुम जिसको तुम बुलाना चाहते हो बुला लो।
بل كذبوا بما لم يحيطوا به. اللہ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا بما لم يحيطوا به اس کو جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم کے ساتھ. ولما يأتيهم تأويل اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس جس کی تعویل جس کا انجام. اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے اور ابھی تک ان کے پاس اس کی تعویل اس کی تفسیر اس کا انجام نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں یہ اصل میں قرآن کو پڑھے بغیر قرآن کا انکار کر رہے ہیں, یہ لا علمی میں قرآن کا انکار کر رہے ہیں, انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. یہ جب قرآن کو پڑھیں گے تو کبھی انکار نہیں کریں گے, اگر یہ قرآن کو پڑھیں گے صدقے دل کے ساتھ پھر انکار نہیں کریں گے. یہ صرف اس وقت ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں, سن سنا کر قرآن کا انکار کر رہے ہیں. سن لیا لوگوں سے لوگوں کا پروپوگنڈا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے, تو اکثر لوگ اس پروپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا تو وہ لا علمی کی وجہ سے اس پروپوگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ کر غور کر کے پھر قرآن کا انکار نہیں کر رہے, وہ اصل میں لا علمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے اس کو جس کا انہوں نے احاطہ ہی نہیں کیا اپنے علم سے اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس جس کی تفسیر جس کا انجام. لوگ کیا کرتے ہیں, کئی دفعہ لوگ صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور صرف جاہلی حمیت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک حق بات کا انکار کر دیتے ہیں, انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہوتا, اس کو ابھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہوتی. اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی یہ صورتحال ہے, انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے جس کا انہوں نے اپنے علم سے احاطہ کیا ہی نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. پہلی قومیں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں, یہ ایک طریقہ ہے کافر لوگوں کا کہ کافر لوگوں نے جب ایک کسی چیز کا انکار کرنا ہوتا ہے وہ اپنے جیسے کفار اپنے جیسے کفر کے امام ان کے پروپوگنڈے میں آ کر ایک چیز پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں, وہ پروپوگنڈے میں آ کر ایک چیز کا علم حاصل کیے بغیر ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ ایک چیز کو سمجھے بغیر ایک چیز کو پرکھے بغیر اس کا انکار کر دینا, کتنی بڑی جہالت ہے کہ کسی شخص نے ایک چیز کو پڑھا ہی نہ ہو, کسی شخص کو ایک چیز کا علم ہی نہ ہو اور وہ اس چیز کا انکار کر دے لوگوں سے سن سنا کر لوگوں کے پروپوگنڈے میں آ کر. اللہ فرماتے ہیں یہ کہ قریش مکہ پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے, پچھلی قومیں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں. آپ اس مثال کو ایسے سمجھیں, ایک بندہ اس نے میڈیکل پڑھی نہیں ہے, وہ میڈیکل کی بہت ساری ایسی باتوں کا انکار کر دے جو ڈاکٹروں کے ہاں جو چیزیں طے شدہ ہیں جو تجربے سے وہ ثابت کر چکے ہیں, اور وہ تجربے ایک جاہل بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کر وہ ان ساری چیزوں کا انکار کر دے, اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے, اس نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں. ایک بندہ اٹھ کر جاہل ہے, اس کو دنیا کا دنیا کی تاریخ کا نہیں پتہ, اس کو میپ کا نہیں پتہ, اس کو جغرافیہ کا نہیں پتہ, تو وہ انکار کر دیتا ہے کہ کوئی انگلینڈ کے اندر کوئی لندن نامی کوئی شہر ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتا میں نے کبھی نہیں سنا اس شہر کے بارے میں تو میں نہیں مانتا اس شہر کو. بھی اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو لا علمی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک چیز کا انکار کر دیں. اکثر لوگ دین اسلام کی تعلیمات کا قرآن کا اور دین اسلام کی سچی سچی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں, وہ اس کے بارے میں پڑھے بغیر غور کیے بغیر علم حاصل کیے بغیر صرف پروپوگنڈے میں آ کر وہ سن سنا کر انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے
उनकी बहुत बड़ी गलती है, उनको सुन सुनाकर इनकार नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को दावा देने का तरीक़ेकार क्या है? उनको दावा देने का तरीक़ेकार ये है कि कोशिश की जाए किसी तरह ये लोग इन तालीमात के बारे में जान लें, किसी तरीके से, किसी तरीके से इन लोगों तक ये तालीमात पहुंचा दी जाएं, उनको इस बात पर कायल कर लिया जाए कि आप एक दफ़ा कुरान को पढ़ के देख लें, आप एक दफ़ा कुरान की तालीमात पढ़ लें, या आप एक दफ़ा कुरान की तालीमात सुन लें किसी से, आप एक दफ़ा मेरी बात पे गौर कर लें, अगर आपको गलत लगे तो आप मेरी बात का इनकार कर देना। कोई बंदा अगर खुलूस दिल से, ये बात मैं दावे से कहता हूँ, अगर कोई बंदा खुलूस दिल से, कोई काफिर खुलूस दिल से इस बात पर तैयार हो जाए कि वो कुरान पढ़ ले खुलूस दिल के साथ, इस नीयत के साथ नहीं कि पहले दिल में सोच के रखे कि ये गलत है, मैंने तो इसको इसका इनकार ही करना है, पढ़ने के बाद भी मैंने इनकार ही करना है, जो बंदा इस नीयत से पढ़ेगा उसे हिदायत नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हैं, मुस्तशरिकीन और एंटीगरिस्ट कुरान पढ़ते हैं, नबी सल्लम की सीरत पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही इस नुक्ता नज़र से हैं कि उन्होंने उसके अंदर ऐब जोई करनी है, उन्होंने उसका इनकार करना है, तो जब इस नीयत से पढ़ते हैं तो वो फिर ऐब निकालते हैं। जो बंदा सिद्ध के दिल से पढ़ता है, जो पढ़ते नहीं है वो तो वैसे प्रोपोगंडे की वजह से इनकार कर रहे हैं, जो सिद्ध के दिल से पढ़ लेता है तो उसे हदायत हो जाती है, उसे हदायत मिल जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं बल्कि उन्होंने जुटला दिया उस चीज़ को जिसका उन्होंने अपने इल्म से अहाता किया ही नहीं, जिसका इल्म उन्हें हासिल हुआ ही नहीं। वलम्मा यातिहिम तअवीलु, और अभी तक नहीं आई उनके पास उसकी वजाहत। तावील तफसीर को भी कहते हैं, इंजाम को भी कहते हैं। कदालिक कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह झुठलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु ज़ालिमीन, बस देखिए कैसे हुआ इंजाम ज़ालिम लोगों का। पिछली कौमों ने भी ये काम किया था तो इस ज़ुल्म की वजह से वो हिलाक हुए, तो अब अगर मुशरिक भी यही काम करेंगे तो फिर इनका इंजाम भी जुल्म वाला होगा, ज़ालिमों वाला होगा। वमिनहुम मन युमिनु बिही वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, और इन में से वो भी है जो ईमान लाता है इसके साथ। आपकी कौम में से, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम में से, कुरैश में से वो भी हैं जो ईमान ले आते हैं इस कुरान के साथ। वमिनहुम मन ला युमिनु बिही, और इन में से वो भी है जो इस कुरान पर ईमान नहीं लाता। दोनों किस्म के लोग हैं, सिर्फ इनकार करने वाले नहीं हैं, मानने वाले भी हैं, अगर थोड़े हैं, चाहे थोड़े हैं लेकिन अल्लाह के नज़दीक मानने वाले चाहे थोड़े हों, अल्लाह के नज़दीक उन थोड़े लोगों की बहुत अहमियत होती है। ना मानने वाले लाखों हों, मानने वाले एक दो लोग भी हों ना, वो चाहे थोड़े लोग हों, अल्लाह के नज़दीक थोड़े लोग वो लाखों करोड़ों पर हावी हैं। अल्लाह उनका जिक्र ज़रूर करते हैं, अल्लाह उनको कंसीडर ज़रूर करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सारे इनकार करने वाले नहीं हैं कुरान का, उनमें से वो भी हैं जो कुरान पर ईमान लाते हैं और वो भी हैं जो नहीं ईमान लाते इस पर। वरब्बुका अअलमु बिल मुफ्सिदीन, और आपका रब ज़्यादा जानता है फसाद करने वालों को। फसाद करने वालों को क्या मतलब? जो नहीं मान रहे। यहाँ से पता लगा हम लोग कई दफ़ा फसाद से मुराद लेते हैं कि कोई बंदा चोरी कर ले, डाका मार ले, दूसरे पर जुल्म ज़्यादती करे ना हक, यही फसाद होता है। ये बात याद रखिए कि शिर्क, कुफर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की के साथ ये जो मुखालफत जो कुफार करते हैं, अल्लाह का इनकार कर दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, ये भी फसाद है, ये बहुत बड़ा फसाद है। यहाँ फसाद का इतलाक किस पर हुआ? यहाँ फसाद का इतलाक ईमान ना लाने पर हुआ। आपका रब ज्यादा जानता है फसाद करने वालों को। अक्सर लोग क्या करते हैं? अक्सर लोग ईमान लाने वालों को फसादी कहते हैं, कहते हैं ये असल में लोगों में फितना डालने वाले हैं, ये लोगों में इख्तलाफात पैदा करने वाले हैं। कि जी किस माना में वो कहते हैं ये इख्तलाफात पैदा करते हैं? वो इस माना में कहते हैं इख्तलाफात पैदा करते हैं कि जी इन लोगों की दावत की वजह से लोग कुफर को छोड़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो एक ख़ानदान में अगर
कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उस खानदान में इख्तलाफ पैदा हो गया ना, वो इसको फितना फसाद कहते हैं। हालांकि असल फसाद ये नहीं है। असल फसाद क्या है? असल फसाद ये है कि जो ईमान नहीं लाता, ईमान न लाना ये फसाद होता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार, कुरान का इनकार, ये फसाद है। आप देखिए अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम पर जब लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह कहते हैं कि ये फास्को फाजिर कौम है, ये फसादी कौम है। और अल्लाह फरमाते हैं ये फसाद है। अल्लाह फरमाते हैं वला तुफसिदु फिल अर्ज़ बादा इस्लाहिहा, ऐ लोगों ज़मीन में, ज़मीन की इस्लाह के बाद ज़मीन में फसाद ना करो, ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद ना करो। यानी जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया है और अल्लाह ताला ने तालीमात कुरान की उतार दी हैं, तो अब उन तालीमात का इनकार करके, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का इनकार करके, कुरान का इनकार करके, अब तुम बहुत बड़ा फसाद ना करो। फरमाया वइन कज़्ज़बू का फ़क़ुल ली अमली वलकुम अमलुकुम, और अगर वो झुठलाएँ आपको ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ुल तो आप कह दीजिए मेरे लिए मेरा अमल, वलकुम अमलुकुम और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, अंतुम बरीउन मिम्मा अअमलु व अना बरीउन मिम्मा तअमलून, तुम बरी हो, बेजार हो उससे जो मैं अमल करता हूँ, और मैं बरी हूँ उससे जो तुम अमल करते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आपको जुटला दें तो कोई बात नहीं, आपको इन्हें राज़ी नहीं करना, आपको तो अल्लाह को राज़ी करना है। अगर ये आपको जुटला दें तो आप इनके जुटलाने की परवाह ना करें, इनके जुटलाने की वजह से आप, अल्लाह ने जो आपको हक दिया है, सच दिया है, आप और आप उस हक और सच में मुदाहनत न करें, आप अपने हक पर और अपने दीन पर डटे रहें। अल्लाह ने जो आपको हक दिया है, जो अल्लाह ने आपको दीन दिया है, वो बिल्कुल सच्चा दीन है। अगर ये आपको जुटला दें, ये ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, आप और आपके पैरोकार थोड़े हैं, कोई बात नहीं, अगर ये आपको जुटला दें तो आप इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे जुटलाने की वजह से मैं मुदाहनत का शिकार नहीं होऊंगा कि मैं तुम्हारी कुछ मान लूँ। मैं, मेरे लिए मेरे अमाल, मेरे लिए मेरे अमाल बहुत काबिल कदर हैं, मैं अपने अमाल पर अला वजहिल बसीरत अमल पैरा हूँ, मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ, मेरे अमाल मेरे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, मैं अपने अमाल का जवाब दे हूँ अल्लाह के यहाँ, तुम अपने अमाल के जवाब दे हो, मेरे अमाल का तुमसे नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन, तुम्हारे अमाल का मुझसे नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन, मेरा काम दावत देना है, मैं दावत दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं मानते तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, उनका वबाल मुझ पर नहीं है, मैं अपने अमाल का ज़िम्मेदार हूँ और मैं अपने अमाल अला वजहिल बसीरत सर अंजाम दे रहा हूँ। अंतुम बरी उन मिम्मा आमलू, तुम बरी हो मेरे अमाल से, वह अना बरी उम मिम्मा तअमलून, मैं बरी हूँ, बेजार हूँ तुम्हारे अमाल से, मुझे तुम्हारे अमाल से नफरत है, मुझे तुम्हारे अमाल नहीं भाते, तुम मेरे अमाल से बरी हो, बेजार हो, मैं तुम्हारे अमाल से बरी और बेजार हूँ। यह है अलवला वलबरा। किसी को दावत देनी है तो दावत देने में हमें हिकमत से काम लेने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा फिरौन के पास कि फिरौन के पास जाओ और सख्ती से बात नहीं करनी, नरमी से बात करनी है। देखिए फिरौन अपने आप को रब कहता था, अना रब्बुकुम अलआला, सबसे बुलंद रब कहता था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ फिरौन के पास जाओ, फिरौन बहुत बड़ा फसादी है, बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा मुतकब्बिर है, और वो अपने आप को रब कहते हैं, लेकिन आपने जब उन्हें दावत देनी है, दावत उन्हें नरमी के साथ देनी है, हिकमत के साथ देनी है। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लेकिन लोग, बाज़ लोग क्या समझते हैं, बाज़ लोग समझते हैं नरमी के साथ दावत देने का, हिकमत के साथ दावत देने का मतलब क्या है, कुछ अगले की मान लो, कुछ अपनी मनवा लो, ये हिकमत नहीं है, ये नरमी नहीं है। नरमी क्या है कि इंसान अगले बंदे पर ज़बरदस्ती ना करे, इंसान अपनी बात ठोंसे नहीं अगले बंदे पर, इंसान अगले बंदे को अपनी बात समझाने की कोशिश करे, अगला बंदा मेरी बात सुन ले, अपनी बात पहुंचाए अगले बंदे पर, अगले अगले के सुने,
फिर इंसान अपनी पूरी बात पहुंचाए नरमी के साथ और हिकमत के साथ और खैरखाही के साथ। अगले बंदे को हराना मकसूद ना हो, अगले बंदे की खैरखाही मकसूद हो कि काश अल्लाह ताला इसे जहन्नम की आग से बचा ले। वल मौइज़तुल हसना से मुराद खैरखाही है। तो दावत हिकमत के साथ होती है और दावत खैरखाही के साथ होती है, नरमी के साथ होती है। फ़कूल लहू क़ौलन लय्यिनन, लेकिन नरमी का मतलब हरगिज़ मुदाहनत नहीं। अगर कोई इंसान, कोई मुवाहिद किसी मुशरिक को दावत दे, तो मुशरिक को समझाने के लिए वो ये नहीं कह सकता चलो थोड़ी सी बात आपकी भी सही है, थोड़ी सी बात आप मेरी मान लें। एक दिन आपके आपके जो बुजुर्ग हैं हम उनको अहमियत दे देते हैं, आप 6 दिन या 5 दिन या 4 दिन या 3 दिन आप हमारे अल्लाह की इबादत कर लें, ये नहीं हो सकता। मुशरिकीन ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुछ दिन आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, कुछ दिन आप हमारे लात मनात उज़्ज़ा की इबादत कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, आपने फरमाया था कि मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, अगर एक हाथ पे चांद रख दो तो मैं इस बात पे तैयार नहीं होऊंगा। यानी आपसे बढ़कर नरम कौन था, और आपसे बढ़कर पोलाइट और अखलाक आलिया का मालिक और रवादार कौन था, आपसे बढ़कर दावत में हिकमत अमली को मलहूज कौन रख सकता था। लेकिन आपने दीन के मामले में मुदाहनत इख्तियार नहीं की। अलवला वलबरा एक बिल्कुल अलग तसव्वुर है, और दावती हिकमत अमली इसका मतलब बिल्कुल अलग है। हम लोग इन चीज़ों को खल्त मल्त कर देते हैं बाज़ दफ़ा। जी वालेकुम सलाम। आजकल क्रिसमस आ रही है, अब क्रिसमस में रवादारी का और नरमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनके साथ हम क्रिसमस की उनको मुबारकबाद दें और हम इन चीज़ों में शरीक हो जाएं। अगर हम उनको मुबारकबाद देंगे गोया के जो उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, हम उस अकीदे को मान रहे हैं और हम उस अकीदे को कबूल कर रहे हैं। ऐसा उनका अकीदा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी बात इतनी ख़तरनाक है कि आसमान फट पड़े, ज़मीन जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाए, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, ये इनकी बात इतनी बड़ी है जो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देते हैं। जी आप में से कोई सवाल कर रहा था। जी सर, कल बात हुई थी ना जिन के बारे में, उसमें आपने दो टाइप्स का हुक्म बता दिया था कि एक की मुज़म्मत है और एक जो है एक को फॉलो करना है। जो दरमियान की बात थी इनकी 50-50 की जो आपने बात की थी, उसका हुक्म नहीं आपने बताया था कल, और मुदाहनत का मतलब बता दिया। कल मैंने जन की बात की थी, मैंने कहा था एक एक होता है शक 50-50 जो होता है, एक जन मरजू होता है जो 50 से भी कम होता है, तो ये इस पर अमल नहीं होता। एक जन गालिब होता है, जन गालिब ये 50 से ऊपर ये यकीन तक जा सकता है, यकीन के करीब पहुंच सकता है। जन गालिब पर अमल होता है अगर हमारे पास हक और कामिल यकीन मौजूद ना हो, तो फिर जन गालिब पर अमल होता है। असल में बाद लोग लफ्ज़ जन से चिढ़ते हैं, जी हदीस जन्नी होती है, तो वो हदीस जन्नी होती है कहकर हदीस से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मैं बता रहा हूँ जन पर, जन से मुराद यकीन भी होता है जैसे मैंने कल मिसाल दी थी, और जन से मुराद जन गालिब भी होता है, और कई चीज़ों पर हम जन, कई जगह पर हम जन के पाबंद होते हैं। जिस जन की मुजम्मत है वो पिछली आयत करीम में जो हम पढ़ रहे थे, वो वहाँ जन मरजू है और वहाँ वो उस जन की मुजम्मत है जो हक हक के मुकाबले में जो जन है, हम उसकी जो है वो उसकी मुजम्मत है। इन जन ला युग्नी मिनल हक शैया, जन हक के मुकाबले में कोई फ़ायदा नहीं देता। तो कल असल में ये बात हो रही थी। आज जो हमने बात समझी है कुरान करीम की इन आयात से जो सीखी है, वो ये बात सीखी है कि हम काफरों के अमाल से बेजार हैं, बरी हैं, और वो हमारे अमाल से बरी हैं, सीधी सी बात है। तो एक अकीदा है जिसको अकीदा अलवला वलबरा कहते हैं। अलवला वलबरा अकीदे का क्या मतलब है कि हमारा ताल्लुक, हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत ईमान वालों के साथ है। मुसलमान आपस में नरम दिल हैं, मुसलमान एक दूसरे से ईमान की बिना पर मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के भाई हैं, चाहे उनका कोई खूनी ताल्लुक है कि नहीं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई हैं, एक जसद वाहिद की तरह हैं।
एक जिस्म के एक उज़्व को तकलीफ़ पहुंचती है, पूरा जिस्म बीमार रहता है, सो नहीं सकता। मोमिनों की ईमानी अखुवत इस तरह की होनी चाहिए। रुहमा बैनहुम, मोमिन आपस में रहम दिल हैं। लेकिन मोमिन इसके मुकाबले में काफिरों के साथ उनका रवैया दुरुस्त होता है, उनका रवैया सख्त होता है आम हालात में। बाकी जहाँ तक दावत देने की बात है, दावत में हिकमत अमली और अखलाक आलिया को मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन एक मोमिन का रवैया मुसलमान के मुकाबले में काफिर से सख्त होता है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त होते हैं, आपस में नरम होते हैं। आइज़्ज़तिन अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मोमिनों के लिए जलील होते हैं मोमिन, झुके होते हैं, काफिरों पर सख्त होते हैं। तो ये अलवला वलबरा का तसव्वुर, ये इस्लाम का एक बुनियादी तसव्वुर है, और इस तसव्वुर पर अमल करने वालों को, इसका इजहार करने वालों को मुतशद्दिद कहना, फंडामेंटल कहना, ये एक गलत बात है, एक इल्ज़ाम है। अगर ये इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये इल्ज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के जलीलुल क़दर अंबिया पर ये इल्ज़ाम आएगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में सराह से मौजूद है कि वो कहते थे वैद क़ाला इब्राहीम उली अबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउ मिम्मा तअबुदून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा मैं तुम्हारे अमाल से बरी हूँ, बेजार हूँ, तुम्हारे अमाल को बिल्कुल ऑन नहीं कर सकता। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, अल्लाह फरमाते हैं उनमें, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए उनमें उस्वा हसना है। किस चीज़ में उस्वा हसना है? قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله, حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی کافر قوم سے کہا کہ انا براء منكم, ہم تم سے بیزار ہیں, تم سے بھی بیزار ہیں, تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو, تمہارے شرک سے بدعات سے, تو ان سے ہم بیزار ہیں. كفرنا بكم, ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا, ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی واضح ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے. حتى تؤمنوا بالله وحده, اس وقت تک جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لے آؤ, جب تک تم اللہ کی توحید کے قائل نہ ہو جاؤ, پھر ہماری تم سے محبت ہوگی. تو مومن کا عمل اور کافر کا عمل یہ دو الگ اعمال ہیں. جس طرح کافر مومن کے اعمال کو پسند نہیں کرتا, مومن بھی کافر کے اعمال کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ کافر کے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہوتے ہیں, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. ایک مومن وہ کتنا بھی وہ روادار کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی اخلاق عالیہ پر فائز کیوں نہ ہو جائے, وہ کافر کے اعمال کو پسند نہیں کر سکتا کبھی بھی, نہ کافر کے طور طریقے کو جو ان کے اپنے دین کے شعار کے مطابق ہوتے ہیں, کبھی مومن ان کو پسند نہیں کر سکتا. جو مومن کافروں کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے طور طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے. اور اللہ نے جگہ جگہ ایمان والوں کو یہود و نصارہ غیر مسلموں کو دوست بنانے سے, ان کی مشابہت کرنے سے, ان کے طور طریقے پر چلنے سے منع کیا ہے. یہ چیزیں آج ہمارے ہاں معاشرے میں اجنبی ہو گئی ہیں, ہم مروب ہیں ان سے مروب ہونے کی وجہ سے ہم ان کی بہت سی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی ایک رواداری سمجھی جاتی ہے, ایک بڑی نرمی اور حکمت عملی سمجھی جاتی ہے کہ ہم کافروں کے تہوار میں ہم ان کو مبارکباد دیں, ان کے تحفے تحائف قبول کریں, جی دیکھیں جی وہ بھی تو ہمیں جو ہے مبارکباد دیتے ہیں ہماری عید کی, تو ہم بھی انہیں ان کے کرسمس کی مبارکباد دے دیں, تو کیا فرق پڑتا ہے. میں آج ہی کسی امام ابن قیم کا قول پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں جتنے بڑے کبائر ہیں, جتنے کبیرہ گناہ ہیں اور جتنے بڑے گناہ ہیں, کرسمس میں کسی کافر کو, عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دینا ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں ایک بندہ مسلمان ہوتے ہوتے بڑے سے بڑا گناہ کر لے اور وہ کسی عیسائی کی, کسی کرسچن کی کرسمس میں شریک ہو جائے, اس کو مبارکباد دے, تو یہ اس کا گناہ ایک مومن کے سارے جو مومن گناہوں سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ یہ
क्रिश्चियन जो हैं वो हज़रत ईसा को अल्लाह और अल्लाह का बेटा कहते हैं, और ये अल्लाह के नज़दीक ये इतनी बड़ी गाली है। अल्लाह ने कुरान करीम में इसका जिक्र किया, अहादीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के लिए गाली है, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये इतनी बड़ी बात है, तकादु समावात यतफत्तरन मिन्हु, करीब है आसमान इसे फट पड़े, वतनशक्कुल अर्ध, ज़मीन शक हो जाए, वतखिरुल जिबालु हद्दा, पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े, अंदाउ लिर्रहमान वलदा, अगर वो अल्लाह के लिए औलाद मुकर्रर करें, वमा यंबगी लिर्रहमान अन यत्तखिज़ वलदा, रहमान के लायक नहीं है कि उसकी औलाद हो। तो हम काफरों के अमाल से बरी हैं, वो हमारे अमाल से बरी हैं, हमारे लिए हमारे अमाल, उनके लिए उनके अमाल। وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, उनमें से वो भी हैं जो गौर से सुनते हैं आपकी बात। أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, क्या आप सुना सकते हैं बहरों को अगरचे वो अकल ना करते हों। चलें इतना ही काफ़ी है आज के लिए।